तो गाइस आज मैं 200 रुपये लेके निकल रहा हूँ और 200 में क्या क्या खा पाते ये आप लोग को दिखाऊंगा। कॉम्पो भी खाएंगे और बाहर का चीज़ भी खाएंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। चलिए देर ना करके वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अभी हो रहा है 3:05 और मैं आया हूँ CMS फूड कोर्ट में। ये है फूड की अदालत और चलिए आज इसके अंदर जाके इसका मुकदमा क्या क्या है देखते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ CMS फूड कोर्ट में। ये मेन्यू आ गया और इसमें सबसे पहले ढूंढते हैं कि वो कॉम्बो का है जो मैंने पहले के कई एड में देख के आया था। तो यहाँ पे CMS फूड कोर्ट का पूरा मेन्यू कार्ड है, स्टार्टर्स, फिर नेक्स्ट पेज में क्या है देखते हैं। इसमें फ्लेवर्ड स्नैक्स, मील्स एंड कॉम्बोज, इधर चाइनीज़ कॉप्सी, फ्राइड राइस, मेन कोर्स, इधर डिस्क्रिप्शन लिखा है लेफ्ट साइड में, और इधर कोल्ड ड्रिंक्स एंड वेज चिकन फिश प्रॉन ये सब है। तो चलिए अब अच्छे से स्टडी करके फिर एक वो कॉम्बो वाला ढूंढ के ऑर्डर दे देते हैं। तो ये है कॉम्बो, इसमें देखिए आप इस साइड से प्लेन राइस, तवा रोटी, वेज पुलाव और मलाई रोटी ये सब से कोई एक ले सकते, और इस साइड से चिकन मसाला, चिकन खाशा इस वगैरह वगैरह जो है उससे आप और एक ले सकते। ये दोनों मिला के कॉम्बो होता है। तो ये इधर से मैं लूँगा फ्राइड राइस और इधर से ले चिकन मसाला लूँगा और इसको कॉम्बो बना के ऑर्डर दे। मतलब कॉम्बो में क्या क्या होता है? सब होता है। क्या बोला तूने? मतलब ये दो चीज़ एक्स्ट्रा, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक आएगा इसमें। हाँ हाँ ठीक है, मैं मुझे ये एक इधर ये जो फ्राइड राइस और चिकन मसाला। हाँ सलाद आएगा। हाँ फ्रेम दे देना इधर ही। इधर का मौसम बहुत ही अच्छा है, ये साइड व्यू मिलता है। तो अभी आज मैं अकेला आया हूँ, गोलू नहीं आया है क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। तो अभी मैं अकेला भी खा के आप लोगों को वीडियो को दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और खाना आने का इंतज़ार करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस ऑर्डर दे दिया अभी, तो बोर लग रहा है मुझे, तो मैं बोर टाइम कटाने के लिए मैं ऐसे ही पानी पी रहा और फ़ोन रख दिया ताकि अचानक आए तो वीडियो भी हो जाए। तो चलिए जल्दी जाके हाथ धो लेते, वॉश कर लेते, फिर आके चेयर में बैठते और आप लोगों को खाना दिखाएंगे। जब तक खाना नहीं आएगा तब तक इंतज़ार भी करते साथ में। तो ये छोटा सा केबिन जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे वॉश करने का जगह है और मुंह देखने का भी जगह है, तो इधर स्पेशल लड़की लोगों के लिए बनाया होगा। तो गाइस जाके फटाफट बैठते मेरी जगह में, कोई दूसरा आके सीट पकड़ लेगा और बैठ के खाना का वेट करते। तो गाइस जिसके लिए तड़प रहा था वो फाइनली आ ही गया। ये है फ्राइड राइस और चिकन मसाला। ये देखने में अलग ही मतलब भूख लग रहा है बहुत देर से, और अभी ये देख के ना बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो इसको कहाँ से शुरू करूँ मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया है गाइस। पूरा ऐसे मैं नॉर्मली पूरा नहीं खाता, लेकिन आज मैं चाट के खाया पूरा।
खाना खा लिया। अब यह हाथ धो के आप लोगों को रिव्यू बताते हैं खाना कैसा है। बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही टेस्टी है। तो जल्दी हाथ धोते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। ये जो कॉम्बो है कितने बजे से कितना बजे तक मिलता है? 12 बजे से 4 बजे। 12 से 4? पहले 1 बजे था ना? पहले 12 से 4 ही था। पहले प्राइस थोड़ा कम था हमारा सर। नहीं एक ही है। नहीं नहीं, मैंने 5-6 महीने पहले खाया था। 120 या 140 जैसे खाता है। खाना बहुत ही टेस्टी था। मैं मतलब ऐसे ही फास्ट फूड नहीं खाता, लेकिन ये फूड मैंने पूरा चाट चाट के खाया। मुझे ये खाना बहुत ही अच्छा लगा। अब तो गाइस 200 रुपये लेके आया था, फ्राइड राइस भी खाया और साथ में 5 पीस चिकन भी खाया, और अभी तक मेरे पास 30 रुपये बचे। तो अभी 30 रुपये में क्या खाते आप लोगों को दिखाएंगे, 30 रुपये में क्या मिलेगा वो भी ख़त्म करके फिर घर जाएंगे। पूरा 200 लेके निकल आया था। एक 170 समथिंग आया है फ्राइड राइस और 5 पीस चिकन। बहुत ही टेस्टी था चिकन। और क्या बताऊँ, मैं कभी ग्रेवी नहीं खाता, लेकिन आज मैंने पूरा ग्रेवी भी खाया। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ बंगागढ़ फ्लाईओवर के ऊपर। इधर सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है कि इधर आके वीडियो बनाते हैं। तो अभी 30 रुपये में क्या मिलेगा क्या मिलेगा सोच रहा हूँ। आइसक्रीम खाऊँ या कुछ ठंडा खाऊँ? ठंडा तो उधर पी लिया, साथ में स्प्राइट भी दिया था। तो अभी कुछ ठंडा नहीं, शुगर केन खाते हैं, शुगर केन जूस। तो चलिए 30 रुपये भी खर्च कर दो भैया, 20 का दो तो एक। तो गाइस 20 रुपये भी खा लिया, अभी हाथ में बचा है 10 रुपये। और 10 रुपये में मुझे उधर कुछ नया चीज़ दिखा है, वो भी खाएंगे। कुछ जलजीरा जैसा बचपना जैसा चीज़ था, वो नींबू पानी था, तो वो भी ट्राई करेंगे। बाकी जो पैसा बचा है फिर उसके बाद सीधा घर चले जाएँ। भाई सब पैसा खा लिया, पूरा 200 लाया था, 200 का खा लिया, बहुत ही टेस्टी था। लास्ट में ये नींबू पानी खा के डाइजेस्ट हो गया। तो गाइस अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस मिले। जगह भी मैं बोल दूंगा और खाना का रिव्यू भी दूंगा, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ ख़राब खाना मिलेगा वो भी बोलूँगा आपको। तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।